रिपब्लिक डे अरेंजमेंट्स के बारे में ये छोटी मैं ब्रीफिंग करना चाहता हूँ विद रिगार्ड टू द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। इनफैक्ट रिपब्लिक डे अरेंजमेंट्स की तैयारियाँ हम लोगों ने लास्ट ईयर से ही शुरू की थी आफ्टर द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस। और इस तैयारी के भाग के रूप में पिछले 2 महीने से बहुत ही इंटेंसिफाइड एंटी टेरर मेजर्स हम लोग ले रहे हैं। हमारे 26 पैरामीटर्स पे ये मेजर्स लिए जाते हैं जो पिछले 2 महीने से बहुत इंटेंसिवली पूरी दिल्ली में लिए जा रहे हैं। इसका कारण ये है कि हमेशा की तरह दिल्ली एक टारगेट के रूप में रहता है किसी भी आतंकवादी अथवा कोई भी असंतोषी एलिमेंट्स हैं उनके टारगेट के रूप में दिल्ली हमेशा से रहा है। इस साल भी हम लोग इस बारे में काफ़ी अलर्ट हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज, स्टेट पुलिस और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के कोऑर्डिनेशन में दिल्ली पुलिस पिछले 2 महीने से बहुत इंटेंसिव एंटी टेररिस्ट मेजर्स ले रही है। इसके तहत शहर में आपने देखा होगा नाकाबंदी है, चेकिंग है, व्हीकल चेकिंग्स हैं, होटल लॉज धर्मशाला मुसाफरखाने की चेकिंग्स हैं और काफ़ी वेरिफिकेशंस हैं, टेनेंट वेरिफिकेशंस, सर्वेंट वेरिफिकेशंस, लेबरर्स वेरिफिकेशंस। तो ये सब मिला जुला के पिछले 2 महीने से काफ़ी इंटेंसिवली एंटी टेररिस्ट मेजर्स लिए जा रहे हैं। जहाँ तक अरेंजमेंट्स का सवाल है, अपना शहर में सिर्फ रिपब्लिक डे परेड के लिए हमने अधिकारियों और जवानों के साथ करीब 20,000 प्लस फोर्स डिप्लॉयड है, जिसमें DCP, ACP, इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स के अलावा दिल्ली पुलिस के कमांडोज, आर्म बटालियन के ऑफिसर्स और जवान और CAPF के कमांडोज और उनके जवान, उनके अधिकारी इस ड्यूटी में तैनात किए गए। इकहत्तर DCP, 213 ACP, 753 इंस्पेक्टर्स और सब मिला जुला के करीब 27,723 की फोर्स डिप्लॉयड है। इन सब को असिस्ट करने के लिए CAPF की 65 कंपनियां डिप्लॉय की गई। पिछले 15 दिन से शहर के जितने भी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं उन पे इंटेंसिफाइड व्हीकल चेकिंग, नाकाबंदी की गई है ताकि किसी का भी कोई मूवमेंट हो तो उसको आसानी से हम लोग चेक कर सकें, वेरीफाई कर सकें। काउंटर रोग ड्रोन टेक्नोलॉजी के तहत एयर स्पेस को भी हम लोग ने सिक्योर किया हुआ है इन एंड अराउंड द एरिया वेयर द सेलिब्रेशंस विल टेक प्लेस। इसमें दिल्ली पुलिस के अलावा दूसरी एजेंसीज की भी मदद ली गई है और कोशिश ये की गई है कि इस एरिया को हम लोग पूरी तरह से सिक्योर कर सकें। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि इसमें ड्रोन्स, हॉट एयर बलून्स, पैराग्लाइडर्स, इनके मूवमेंट के लिए प्रतिबंध लगाया गया है और इसको अलाउ नहीं किया जाएगा।
सेंट्रल विस्टा में जो भी एजेंसीज काम कर रही हैं उनके अधिकारियों के साथ तालमेल रख के सिक्योरिटी के तमाम इंतजामात किए गए हैं और इस गणतंत्र दिवस समारोह की सुरक्षा के संबंध में दिल्ली पुलिस के इंटरनल अरेंजमेंट्स की मीटिंग्स के अलावा इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स भी आयोजित की गई हैं और दूसरे राज्यों के डायरेक्टर जनरल्स ऑफ पुलिस, सीआईडी क्राइम, एटीएस चीफ्स उनके साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग करके यहाँ पे सुरक्षा में कोई कमी ना रह जाए इसकी कोशिश की गई है। एंटी सबोटाज चेक्स के लिए दिल्ली पुलिस की टीम्स के अलावा दूसरी एजेंसीज की टीम्स भी हैं और करीब 200 टीम्स हैं जो एंटी सबोटाज चेक्स की कामगिरी को रूप दे रही हैं। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के द्वारा पिछले काफ़ी समय से दिल्ली पुलिस ने प्रोएक्टिवली लोगों को जागृत करने के लिए एक कार्यक्रम चलाया हुआ है। इसमें जो लेफ्ट बैगेज या लेफ्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में सावधान रहने के लिए और काफ़ी दूसरी डूज एंड डोंट्स के बारे में सूचना दी जा रही है, इसका काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा है और हमारे कंट्रोल रूम में डेली इस तरह के इनपुट्स पब्लिक की तरफ से आते रहते हैं जिनको हम लोग क्रॉस चेक करते हैं। अवेयरनेस के साथ साथ सोशल मीडिया का उपयोग हम फैक्ट्स और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी करते हैं, जिसकी वजह से कोई भी विघ्न संतोषी एलिमेंट मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन नहीं चला सके। कुल मिला जुला के सुरक्षा के इंतजाम हम लोगों ने किए हैं। ट्रैफिक का जहाँ तक सवाल है, ट्रैफिक एडवाइजरी अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने इशू की है। ट्रैफिक में कहाँ कहाँ रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, कौन से रूट्स लेने हैं, इसके बारे में डिटेल्ड सूचनाएं मीडिया के मार्फत से लोगों को दी गई हैं। हमने अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी इस तरह की सूचनाएं दी हैं ताकि रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस के टाइम पर आम लोगों को खूबी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़े। थैंक यू। नहीं नहीं अभी कोई सवाल नहीं, इट वॉज जस्ट अ ब्रीफिंग फॉर द मीडिया। थैंक यू।